वस्ता अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको हिदायत दी हुई है दीन की खिदमत के लिए। वो नबी जिसे जख्मी किया गया तो अल्लाह की जलाल में जुमला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह इस कौम की हिदायत के रब्बुल आलमीन ये नहीं जानते कि किसको जख्मी कर रहे हैं, किसको अज़ियत पहुंचा रहे हैं। वो नबी जिसको कत्ल करने के लिए मुशरिकीन मक्का ने जुड़े हुए 50 जवान राणा को हिजरत की शब आज के दरवाजे पर बिठाए, हद तो करने की कोशिशें की, हर किस्म की असियत से दो चार किया, लेकिन फतेह मक्का के वक्त जब वही जमीन सामने खड़े हुए तो आपकी उस रहमत की लामीन की जुबान अंदर से जुमला निकलता है, ला तसरीम अलैकुम अल्यौम अंतुम मुतलका, आज तुम्हारे ऊपर कोई नहीं, कोई पूरी तारीख उठा करके देख लीजिए उस रहमतुल आलमीन की अपने इंतहाई शदीद दुश्मनों को जिन्होंने बार बार आपके खिलाफ कोशिशें की, आपको सताया, आपके साथियों के साथ इंतहाई असीयत दर्दनाक रवैया किया, लेकिन आपने मान लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की नेकी के लिए, लोगों की अच्छाई के लिए इतने हरीस थे, आपके किरदार और अफ़आल से, आपकी तालीमात से और आपके अहकाम जो आपने इस दुनिया के लोगों को बताए और जिसकी रहनुमाई की उससे बिल्कुल वाज़े है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए रहमतुल आलमीन बना रहा है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रहमत बनाई। आपने जो तालीमात की वो सरापा है और रहमत है पूरी दुनिया के लिए। किसी भी शोबे में आदमी गौर करे किस तरह है, आपकी आमद से पहले लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कुरान में वैसल मौत के सुनिलत बेहद के सम बिन पते पूछा जाएगा, तुमसे सवाल किया जाएगा लड़कियों को बेगुनाह जिंदा दरबोर करने पर, अगर औरत बेवा हो जाए तो उसका मामला यह था तो उससे घर उसको घर से बिल्कुल अलग तरह कर दिया जाता, अगर कोई कमजोर था तो जुल्म करना उसके ऊपर बिल्कुल आम था, गुलामों से जानवरों से ज्यादा बदतरीन सुलूक किया जाता, समाज और माशरे की पूरी तस्वीर यह सिर्फ एक मुल्क की एक नहीं, हमारे हम जिस मुल्क में फंसते हैं यहाँ पर बेवा को जिंदा लाश के ऊपर जला कर कसंदी कर दिया जाता था, यहाँ पर यह चलता यहाँ भी और मनहूस मानी जाती थी। यहाँ अगर कोई शख्स निचली जात में पैदा हुआ तो उसने अगर तालीम हासिल करने की कोशिश की तो शीशा बिगड़ा करके उसके कान में डाल दिया जाए, वो अगर जमीन पर चलता तो चप्पल पहनने की इजाजत नहीं थी, लेकिन उसके कमर में दस जो टहनी बांध दी जाती ताकि उससे जमीन जो नापाक हो रही है वो पाक हो जाए। सिर्फ यहां का मामला नहीं था, यूरोप में तो अभी कल की बात है जिस फ्रांस का आज मामला चल रहा है कि 1700 में यह तस्लीम किया गया कि औरत इंसान की मखलूक है वरना उसको जानवर की मखलूक कहा जाता, और जो रवैया इख्तियार किया जाता था कल की बात है जो दुनिया का तरक्की याफ्ता तरीन मुल्क माना जाता है अमरीका, वहां काले और गोरे का जो मामला होता है कालों के साथ जिस तरीके का रवैया इख्तियार किया जाता है, कहीं रंग नस्ल की बुनियाद पर, कहीं इमारत और गुर्बत की बुनियाद पर, कहीं जात पात की बुनियाद पर, कहीं ताकत और कमजोरी की बुनियाद पर, हर जगह इंसान में सिसक रही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद थी तो आपने हर जगह इंसाफ कायम किया, हर जगह हर मजलूम को इंसाफ दिलाया अल्लाह के नबी ने, और इसे मनहूस समझा जाता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात देखिए उठा करके इंसानियत के सबसे बड़े मोहसिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वरना किसी कानून ने किसी दस्तूर ने किसी समाज और किसी माशरे ने इंसानों को हर सतह पर वो हकूक नहीं दिए जो उसका हक था और जो उसे मिलना चाहिए तो सवाए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मैं किसी मोबाइल पे से ये बात नहीं कह रहा हूँ, ये तारीख की कड़ी सच्चाई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सिर्फ इशारे करूँ का वक्त तो खुतबे में बड़ा महदूद होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो औरत जिसे कभी मनहूस बनाया गया, जिसे कभी तकदीर से महरूम कर दिया गया, हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मजहब में औरत को तरका नहीं, ये तो इंडियन पैनल बोर्ड है जिसने तरका किया, वरना हर
करण सिंह के दौर में ये कानून पास। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम मिल जाए, आपने कहा कि अगर वो मां के रूप में है तो अल्लाह के नबी से एक सहाबी ने आकर पूछा मेरे ऊपर सबसे ज्यादा हक किसका है, कहा तेरी माँ का, कहा फिर कहा तेरी माँ का, कहा फिर कहा तेरी माँ का, उसके बाद कहा तेरे बाप का। तीन मेडल हो गया तीनों खातून को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमाया कि किसी को चार बेटियां हो, तीन बेटियां हो, दो बेटियां हो और वो उनकी सही तरबियत कर देगा तो वो और जन्नत में इस तरह साथ रहेंगे कि आपने दोनों उंगलियों को अपने मिलाया, उसकी सही तरबियत करके अगर उसका निकाह करते। बेटों के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया ये बहुत परमानदार बेटा है, बहुत सही है, बहुत कमाने वाला है, लेकिन बाप को चाहिए कि वो अपनी औलाद के साथ इंसाफ करे। बाप के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म दिया, जब बेटा आकर के कहता है कि अल्लाह के नबी मेरे बाप में से जो चाहते हैं ले लेते हैं, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया तो खुद तेरे बाप का है, तेरा बाप जन्नत का दरवाजा है, चाहे इसे तोड़ दे चाहे इसे महफूज रख। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसी के बारे में इरशाद फरमाया कि बदतरीन शख्स हुआ है जो जिससे उसका पड़ोसी आज ही सो तकलीफ में हो परेशान हो। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया इतना लाजत ने जिब्राइल ने पड़ोसी के बारे में मुझसे कहा कि मुझको लगा कि शायद कर्जे में हक ना हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते के बारे में इरशाद फरमाया कि अगर तुम रास्ता चलते हो तो अगर कोई कांटा या पत्थर हो तो उसको रास्ते से हटा दो, ये सदका है, लोगों को सलाम करो, रास्ते में रुकावट देख करके हटा दो, रुकावट ना बनो, अगर कोई राहगीर गुजर रहा है उससे कुछ पता वगैरह चाहिए तो उसकी मेहरबानी करो, रास्ते के हुकूक अदा करने का अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया। अगर कोई गरीब है तो वो भूखा ना सो जाए, अल्लाह के नबी ने कहा तुम्हारे सालन में पानी बढ़ा दो लेकिन उसके बच्चे भूखे ना। अल्लाह के नबी की ये तालीमात है कि घर में हमने खाना पका रहा है लेकिन पड़ोसी का जो भूखा है, पड़ोसी जो है वो भूखा ना सो जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताजी को हुक्म किया नाम तौर में कमी ना करें, डंडी ना मारे, ताहत के साथ हक्कन भी ना हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेन देन के बारे में कहा लेते वक्त तो ज्यादा ना लें और देते वक्त तो कमी ना करें, बल्कि बिल्कुल इंसाफ के साथ तोले। हाकिम को हुक्म दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे पूछेगा सवाल करेगा ऐसा तसव्वुर किया हुकूमत का कि तारीख उठा कर देखिए कि वक्त का अमीर मोमिनीन अपने आप को सबसे बड़ा खातिम मुस्लिमीन समझता है, सबसे बड़ा खातिम और सबसे बड़ा जवाब दे कि रात की तारीखी में कष्ट करता है मेरी रियाया में कोई जरूरत न और कोई भूखा तो नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी तारीख थी, उसको भाड़ की जरूरत नहीं है, वो खुद ही करता है। तारीख का मशहूर वाक्य है कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला रात को गुजर रहे हैं, आप देखते हैं कि एक शख्स बाहर बैठा हुआ है, खेमा लगा हुआ है, इनका ही परेशान, उसने क्या बात है, कहा मेरी अलिया साथ में है, तब से है विरात का वक्त करीब है और मैं मुसाफिर हूँ, अभी रात के वक्त बिल्कुल यहाँ पहुंचा, अब और उठते हैं और अपने घर जाते हैं, अलिया को कहते हैं उठो, हमारे भाई को जरूरत है, क्या मेरे मोमिन की फिटा है, हॉस्पिटलों में जाकर के किसी एक मौके पर तस्वीर कशी नहीं, अपनी अलिया को कहती है ऐसा ऐसा मामला है, पूरी जरूरत की चीज लेकर के अलिया उनके साथ जाती है, अलिया अंदर दाखिल होती है, उससे बात करने लगती है, मुसाफिर कहते हैं अमीर उल मोमिनीन तो आप जैसे शख्स को होना चाहिए, अमीर उल मोमिनीन अपने साथी को बेटे की खुशखबरी सुना तो उठकर के खड़ा हो जाता है, छत के से आप अमीर उल मोमिनीन कहा ना खादिम उल मुस्लिमीन अल्लाह उससे पूछेगा कि तेरी पेमेंट मामले तक में कोई शख्स जरूरत बनता, अल्लाह पूछे रात को घूम रहे हैं, आप जल्दी दिखाई देते हैं जाकर के पूछते हैं क्या मामला है, कहा बच्चे भूखे खाना क्यों नहीं देगा, आप गवर्नर को और उनके लड़के दोनों को बुलवाते
मुकदमा कुछ लोग आते हैं हजरत जैद आकर के कहते हैं कि बहुत बड़ी खातून ने कहा फातिमा बिन मोहम्मद ने भी अगर जोड़ी की होती तो मैं उसके हाथ काट देता। कानून की ऐसी वजह से पिता का समा बता रही कि कैसे जिद्दे किए। आम रियायत के अंदर बगावत का साहिबा नहीं क्योंकि इंसाफ बिल्कुल आम था, हर किसी को हक मिलना था। और हजतुल वदे के पिता के मौके पर वो आलमी दस्तूर और कानून जिसे मोहम्मद हिंदुस्तान के अंदर रिजर्वेशन की तहरीक आए दिन इस बात का जवाब है। आज तक नहीं मांगे कि हुकूक मिले दुनिया में इंसानों को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया गुलामों के बारे में मोहम्मदिया जो तुम खाओ में पहनाओ, कैदियों के बारे में मोहम्मदिया बदरों के कैदी कहते हैं कि बड़ा अजीब गरीब मामला था, सहाबा खजूरें खाते थे और हमको रोटी देते। हजरत अब्बास जब सामने आए हजरत पर कपड़ा नहीं था, कपड़ा पहना कमीज देखी गई अब्दुल्ला बिन उबै पुलिस आई अपने फौरन में कैदियों अल्लाह के नबी ने कहा तो कमजोर के बारे में तुमको कहता हूँ तुम्हारी बीवी और दूसरा नाम अल्लाह से सवाल करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया था जो आपने इंसानियत के लिए इंसानों की रहबरी और रहनुमाई के लिए किया है अगर पेश किया जाए तो ये खुतबा नहीं है, सिर्फ सैकड़ों किताबात का काफी है एक एक पहलू पर। लेकिन आज आज के दौर में अल्लाह के नबी के दौर में यह चीज थी और ये हमेशा से रही। मैंने खुतबा मसूरा के बाद जो आयत तिलावत की वलकद इस्तुज़िया, जिन लोगों ने रसूलों का मजाक उड़ाया बेरोसिल मिनका भी फहा कभी लगी न सके मिनहुम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, उसी अज़ाब ने उनको आकर के कहा इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़िऊन, हम काफी है तुम्हारा ठट्टा उड़ाने मजाक उड़ाने वालों से। मुशरिकीन मक्का ने भी किया और जब किया तो उनका अंजाम क्या हुआ वक्त तो की असीम सल्तनत का फरमावा तारीख उठाकर देखिए असीम के इशारे दूंगा ईरान का फरमावा जो अल्लाह के नबी ने खत लिखा उसे दावत की तौहीद की वसाय पर जिला तरह लेकर लेटर पहुंचे खत पढ़ने के बाद कहता है किसकी इतनी जसारत कि पहला मेरा नाम लिखने की बजाय पहले अल्लाह का नाम फिर उसका नाम फिर मेरा नाम। अपने गवर्नर आसान को हुक्म देता है कि दो आदमियों को भेज कर दो से गिरफ्तार करो उस गुलाम को मेरी जनाब में हाजिर करो। खत को फाड़ दिया बाजान ने बोले इंतहाई कुव्वत वाले पहलवानों को मुंतखब करके भेजा अल्लाह के नबी के पास। अल्लाह के नबी के पास जब ये लोग आए अल्लाह के नबी ने कहा था जवाब दूसरे रोज कहा कि उसको उसके बेटे ने कत्ल कर दिया उसका और उसकी सल्तनत खत्म हो जाएगी और उससे ये कहना जाकर के बाजार से कि जहां दूसरा है वहां हमारी हुक्मरानी होगी। अल्लाह कुलामी एक खत पाने के बन जाए तो तुम्हारे अल्लाह के साहिबा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर उसका क्यों की और वो जहन्नम की थी जिन जिन लोगों ने की थी मक्का के बद्र के मैदान में लाशों की शक्ल में पड़ाई की थी। अबू लहब जिसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कहा था तब्बल लका लिहाजा जमा करना या मोहम्मद अल्लाह ने इरशाद फरमाया तब्बत यदा अबी लहब तेरे हाथ टूट जाए अब सारा अभी बीमारी हुई सड़ गया बदन औलाद के हाथ नहीं लगा मार खा के लोगों ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती बाप का आशा पड़ा है गुलामों से कहा गड़ा खोदो और लकड़ी से ढकेल कर उस गड़े में उसकी लाश को गिराया गया फिर पत्थर कचरे वगैरह डाल करके उसकी लाश यह तो दुनिया में था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया और अल्लाह के रसूल का मजाक उड़ाने वालों का के लिए कहा है कि खुद का लेकिन ये जो मजाक उड़ाया जाता है बार बार ये जो किया जाता है और उसकी जो तौजीह की जाती है इजहार राय की आजादी है सबसे पहली चीज इजहार राय की आजादी कहा किसको जाता है आपको अपनी राय साहित करने की आजादी है। ये तो 1400 साल पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में था। बेशुमार वाकयात हैं कि जिस बात को सही समझते थे
बेला चीजा हर बार आना रख पड़ानो सीखने दी अगर तेरे बोले कुदरत के दिल लाता है ना मिंबर पहली मर्तबा मरवान में आकम ईदगाह पर लेकर दी आपने मिंबर से खेत लिया मरवान में आकम तो सही बुखारी की रिवायत और कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हम इसको नहीं पाते ईदगाह पर मिंबर में और नमाज से पहले तो खुतबा दे रहे हो खुतबा ये तो 1400 साल पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह ने यह दिया था अपनी बात को पेश करने की आजादी ये गलत चीज है लेकिन गलत बात पेश करने की आजादी को इजहार राय की आजादी नहीं कहा जाता है उस कार्टूनिस्ट ने जो कार्टून बनाया या अल्लाह के नबी के बारे में जो कुछ कहा किया जा रहा है यूरोप में क्या वाकई है इजहार राय की आजादी क्या ये सच है जो किया जा रहा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के अंदर ऐसी थी एक अरब से ज्यादा इंसान जिसको अपने जान और मौत से ज्यादा महबूब रखते हैं अपने वालदैन अपने माँ बाप से ज्यादा महबूब रखते हैं उसकी तालीमात क्या ऐसी खैर के जितने काम चल रहे हैं आज दुनिया के अंदर इस कौम में सब उसी के बारे में रहनुमाई और रहबरी का नतीजा सब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब तक क्या बली ये झूठ है जिसने लिखा वो नहीं जानता नबी की शख्सियत को इजहार राय की आजादी नहीं गलत इल्जाम है अगर 500 के सर को अगर कोई शख्स आज बेटा कहे और रेलवे स्टेशन का पुलिस कहे क्या इजहार राय की आजादी कही जाएगी या ये कहा जाएगा कि तुमने गलत बात कही आज बर्तानिया के सुदूर को अगर कोई ये कहे ये इजहार राय की आजादी नहीं वरना आइए मैं बताता हूं आपको ये जो लोग आज इजहार राय की आजादी असल में इंतहाई तक मनजब ला इल्म जाहिल खटिया साहिब क्या हमें लेना है युवा के लोग इसीलिए युवा को मुसद्दद की कोशिश होती है हम लोग समझते हैं कि ये जो कार्टून है सिर्फ इतना मामला है एक प्रेम के महीने में डेनमार्क के वजीर आजम की बीवी की किताब उसकी सवाल हालत छपी सन 2005 में उसका आखिरी जुमला बता रहा हूं उसने आखिरी जुमला यह लिखना है लिखती है उसमें कि हम सबको खुल कर के इस्लाम की मुखालफत करना चाहिए और यह दहशत गर्दी का मसल है यह कत्ल और कातिल का मसल है वो मसल जिसके नबी ने यह हुक्म दिया कि मैदान जंग में अगर आदमी तलवार करते हुए तो उसे ना मारो बच्चों को ना मारो औरतों को ना मारो बूढ़ों को ना मारो फलदार और सायादार दरख्तों को ना काटो वो नबी जिसने कहा एक औरत इस वजह से सिर्फ जन्नत में गई कि कुत्ते को उसने पानी पिला दिया प्यासे एक औरत इसलिए जहन्नम में गई बनी शायद की कि बिल्ली को बांध कर रखा हो भूख से मर जिसने जानवरों के बारे में भी यह हुक्म दिया जिसने 10,000 मुरब्बा मीटर का इलाका फतेह किया मकतूलीन की तादाद उठाकर देख लीजिए पहला नाजुक मुआयदा इंसानी तारीख का सुरे होता है जिया के वक्त किसने किया पहला नाजुक मुआयदा आप तारीख उठाकर देखिए तो उसने पहले किया उसके बाद अप्रैल में इसकी किताब छपी वहां की मलका की और सितंबर के महीने में बोस्टन नामी अखबार में 2005 में पहली मरतबा वो कार्टून छाया अब आप सुन लीजिए 2004 में क्रिस्टोफर रेलिस नामी एक कार्टूनिस्ट ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक कार्टून बनाया है इजहार राय की आजादी कहते हैं तंग नसरी खटिया सहमियत है उससे कार्टून बनाकर उसी पोस्टर ने अखबार में ले जाकर भेज दिया क्रिस्टोफर रेलिस नामी कार्टूनिस्ट ने 2004 और 2005 में इसने हर राय की आजादी के नाम पर लाख नकली का कार्टून उसका एडिटर कहता है इसको नहीं छाप सकते इसलिए ये लोगों को जज्बात को बरंगेख्ता कर देगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले यहां मौजूद उसी अखबार की बात बता रहा हूं वही अमेरिका वही बर्तानिया वही यूरोप वही डेनमार्क वही फ्रांस जिसके पुष्प पर जिस वक्त एक कार्टून छपा उस वक्त 75 बड़े अखबार 200 टीवी चैनल ने इस कार्टून को इशू किया उस वक्त अभी जो आ गया अभी इस वक्त ये लोग जो कहते हैं यूरोप में बाकायदा कानून है प्योर सेमिनार उस कानून का नाम है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शाम में अगर कोई सब तो गुस्ताखी करेगा उसकी सजा मौत है उसे कम नहीं सजा मौत है ये यूरोप का कानून है प्योर सेमिनार और 1996 में फिल्म बनी इस
जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी थी। ईसा ने राय की आजादी का नारा लगाने वाले छोटे कंगड़दार खटिया बहन के हामिल तारीख के मसल पर चंद हवाले पेश कर रहा हूं। जब उसको लाया गया तो कहा इसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी है, इसलिए इसको मंजूरी दी। उसने कोर्ट में मुकदमा किया, हाउस अपना सबसे बड़ी अदालत जो बरतानिया की उसमें मुकदमा दायर किया। जब मुकदमा दायर किया तो जजेस ने कहा कि बिल्कुल आपको इजाजत नहीं दी जाए। 1990 में यह वाकया हुआ, फिल्मों पर इसीलिए पाबंदी लगाई थी। इंग्लैंड के मेयर ने, अब इजहार राय की आजादी की बात करते हैं, इंग्लैंड के मेयर ने सिर्फ एक यहूदी साहबी को एक जुमला कहा तो नाजी गार्ड उसको मेयर से चटा दिया। कहां गई इजहार राय की आजादी? अगर मैं वाकया बताऊं, अमेरिका की वजीर खारजा सिर्फ फलस्तीन के अखबार ने कार्टून बना दिया, उसका माफी मांगना पड़ी। हिंदुस्तान के गांधी के बारे में एक जुमला कह दिया हेलवी क्लिंटन ने कि अगर ये युग अमेरिका में होता तो किसी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरता, माफी मांगना पड़ी। ऐसे साइक्लो आ सिंगापुर के वजीर आलम जो है उसके बारे में कार्टून बनाया, 3 साल की सजा दी गई और कोड़े मारे। कितने बार अगर होलोकास्ट आप सिर्फ तैदाद कम बता दो जो कि झूठ है, इतनी तादाद में मारा भी नहीं था हिटलर ने यहूदियों को। अगर आप यहूदियों के मकतूलीन की तादाद कम बता देंगे तो आपके ऊपर जुर्म लगेगा। कहां गई ये सारे राय की आजादी? किधर गई? ये वो लोग बात करते हैं जिन्होंने इंसानियत का कोई भला किया, कौन जो अपने बूढ़ों को अपने घर में नहीं रखते उनको बूढ़ा घर में भेज दिया, जिन्होंने खवातीन के कपड़े उतारे, कानों के साथ जुल्म किया, पूरे पूरे ममालिक को एक छोट पर तबाह कर दिया, वो इजहार राय की आजादी? इजहार राय की आजादी की बात नहीं है। उनके जहनों में जो जहालत के बुनियाद पर गलत मालूम थे उस गलत मालूम का इजहार हमारा इंतराब इससे नहीं सही मालूम, वरना तारीख की सुफान उठा कर देती है कि हर वक्त के मुफ्तरीन ने जब मुताया किया था कि नबी की सीरत का तो उनके अखबार क्या क्या था। मैं अभी बिल्कुल करण की बात बता रहा हूं। हिंदुस्तान का राष्ट्रपिता जिसे कहा जाता है गांधी, जब उसके अल्लाह के नबी की सीरत पढ़ी और आपके तरबियत याफ्ता सहाबा की तो जुमला कहता है कि अगर तुम्हें हुकूमत में पहली मरतबा जब हिंदुस्तान में इलेक्शन हुआ तो अब उम्र बहुमत के तर्ज पर हुकूमत कायम करना, और यह बात किसी सभा में नहीं कही बल्कि वह अखबार जो खुद कहानी निकालता था हरिजन उसमें उन्होंने लिखा। अभी कल की बात है, फिर पहेली कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात इंसानी तारीख की सबसे दुखदा था कि आपने इतने कम मुद्दत में इतनी जबरदस्त तो कामयाबी हासिल की तारीख में कोई इससे इंसान नहीं। अगर मैं सिर्फ अखबार पेश करना शुरू करूं तो इसके बारे में सही किताबें लिखी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अक्दस पर, सीरत तैयबा पर। जो युवक ये करता है उसका मकसद यह होता है कि मुसलमानों के जज्बात पर अनियंत्रण किया जाए, उनके जज्बात को भड़काया जाए और लोगों का इस्लाम से और मुसलमानों से मुतरफिर किया जाए, उसके मकासद में से है। और इसमें अफसोसनाक बात है, बहुत ज्यादा अफसोसनाक बात, वो तो इस्लाम दुश्मन है, तंग नजर है, जाहिर है, मालूमात नहीं है, असलियत पसंद है। इजहार राय की आजादी की बात नहीं, गलत राय देते हैं। अगर इस किस्म की गलत राय देना शुरू कर देवे लोग, अभी एक मुल्क के सरदार ने फ्रांस के सदर के बारे में सिर्फ एक जुमला कहा, पूरा यूरोप फूट गया इजहार राय की आजादी। अरे भाई, इसने राय जाहिर की थी, ये बेवकूफाना भूल गया कौन सा पैमाना है आपके पास। इंशाअल्लाह इस पर खुतबे में इतना वक्त तो नहीं होता, मैं फिर कभी तफसील से बताऊंगा। तो यह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी इंसानियत के सबसे बड़े मोहसिन की शान में गुस्ताखी है। वो आम आदमी का वजूद नहीं है, सबसे बड़ा मुजरिम है वो। दुनिया के किसी भी खुतबे में हो, हर इंसाफ पसंद को चाहिए कि उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाए। वो जिसके हुक्म पर गरीबों के यहाँ खाना पहुंचा, जिसके हुक्म पर मजलूमों को जुल्म से निजात मिली, इंसाफ मिला, जिसके दुनिया को सबसे बेहतरीन दस्तूर हयात दिया, ऐसी जात के अकदस पर उंगली उठाने वाला कितना बड़ा मुजरिम है।
वो किसी एक हुकूमत का नहीं, इंसान बनता। अगर आज कुछ बड़े साइंटिस्टों और कुछ बड़े लोगों के साथ कुछ कहा जाए पूरी दुनिया में आग लग जाए, इंसान का पैमाना का ये वसी उन्नत घटिया से इंडियन के लोग क्या करेंगे, यूरोप तक मनसर लोगों का इलाका है। हमारे यहाँ समझते हैं कि बहुत तरक्की हो गई, चंद मापों के चंद अखबार से बचा नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अकदस में मुस्ताखी सबसे बड़ा जो मुआफ हुआ मुझे नाकाबिले माफी है से हदीस हदीस मुसलमान को इसका हक ही नहीं पहुंचता है। और ये बात क्या नसीब है, गुस्ताखे रसूल से बात नहीं होगी। अल्लामा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह ने बाकायदा एक किताब लिखी है, गुस्ताखे रसूल वाजिबुल कत्ल है। तारीख में ऐसा हुआ हिंदुस्तान के अंदर एक आर्यन ने किताब लिखी रंगीला रसूल लिखा, जिसका जवाब शेखुल इस्लाम इमाम अल मनाकिर ने मौलाना साहब डॉक्टर सैयद अहमद डार ने लिखा था मुकद्दस रसूल। नौजवान ने उसे कत्ल किया। जरा जब पहला वक्त का अजीम बैरिस्टर जिसके बारे में यह कहा जाता था कि अगर वो मुकदमा हाथ में ले लेते तो जीत यकीन नहीं थी, नौजवान से जाकर के कहता है कि सिर्फ अदालत ने इतना कहे ना मैंने नहीं माना, इसके बाद कोई कानून तुम्हें सजा नहीं दिला सकेगा। वो नौजवान कहता है यही तो मुझको कहना आया अदालत ने कि मैंने मारा है और मेरे नबी की शान में मुस्तादी करने वाले का नहीं है, यही तो कहना है मुझे अदालत। ऐसे बेशुमार वाले वो नाकाबिले माफी मुजरिम है। अगर हुकूमतें ये काम नहीं करती है, इतने बड़े मुजरिम एक कड़ियाँ से ज्यादा लोगों के जज्बात को मजरूह करने वाला तारीख के सबसे असीम मुकद्दस इंसान के साथ शाम में गुस्ताखी करने वाला झूठा इल्जाम लगाने वाला, अगर हुकूमतें उनके ऊपर इकदाम नहीं करती है तो फिर इकदाम पर अपनी तसावुली और नाअहली का रोना रोना चाहिए, ना कि इकदाम करने वालों के सिलसिले में तबसरा करना चाहिए। इस सिलसिले में ज्यादा अफसोसनाक बात जो है, हमारे जिनके नाम से अल्लामा लगा हुआ है और जहालत का वो मुजाहरा उस शख्स ने किया, इंतहाई अफसोसनाक हुआ जो अपने आप को आशिके रसूल अपने आप को कहते हैं ताहिरुल कादरी, उनका जो वीडियो वायरल है, जो वीडियो चल रहा है, अगर यह हकीकत है तो मैं उसको जुमले उसमें लिख कर लाए, जो उन्होंने कहा है कि एक बार अगर आप में जुर्रत और हिम्मत शजाअत और मर्दानगी नहीं है, ना मर्दों के कबीलों से आपका ताल्लुक है, तो घरों में बैठिए, घरों में बैठिए, लेकिन गुस्ताखाने रसूल शाने अक्दस पर कीचड़ उछालने वालों की तरफदारी और दलाली न कीजिए। ये सब तो जुमले नहीं कह रहा हूं मैं, ये अकीदे और दीन और मनहज की बातें कह रहा हूं, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने कहा हद आपने आप पर ये बात नहीं वो गलत है वरना से अजमाइन, अल्लाह की कसम तुम में कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसके नजदीक अल्लाह के नबी की जात या अकदस, उसके बाप, उसके बाप, उसके माँ, उसके भाई, उसके बहन रखता तो उसकी जान सबर करना हो जाए, मोमिन नहीं हो सकता। ये हजरत इरशाद फरमाते हैं जो कुछ दिन मार्ग में हुआ इस पर राजी हूं, अब उस पर राजी है, इसकी हिमायत कर रहे हैं आप, जो कुछ हुआ इस पर राजी है, अल्लाह के नबी की शान में जो गुस्ताखी की गई, जो झूठा कार्टून बनाया गया, वो रहमतुल्लिल आलमीन जिसने जानवरों के बारे में कहा कि इसके ऊपर ज्यादा बोझ न डालो, अल्लाह के नबी ने कहा जानवरों की पीठ को अपना मिंबर न बनाओ, उनको दहशतगर्द कहा जा रहा है, हजरत क्या नहीं, मैं उस पर राजी हूं, उसे सही बताया, और उसके बाद क्या कहते हैं यहां किसी मुसलमान को हक नहीं इस सिलसिले में कोई बात कहे, यानी उस इलाके में रहने वाले मुसलमान को यह हक नहीं है कि वह सच्ची बात कहे और उनको यह हक है कि वह झूठ कहे। कम से कम आप इतना तो कह देते कि गलत बात की तस्दीक करने का हक है हमको, उसके खिलाफ एहतजाज करने और उसके खिलाफ आवाज उठाने का हक है, ये तो बहुत भी चीज नहीं, तीन बार तो हुकूमत के तलवे चाटने में और उनकी तरफदारी करने में कितनी दूर जा रहा है आदमी के लिए उसके जुमले कि मैं जमहूरियत पर यकीन रखता हूं। जमहूरियत पर यकीन का मतलब क्या है, इस
हजार राय की आजादी हर किसी को अपना हाथ में लेना चाहिए। जब इसका आपको इस पर यकीन है तो इसके खिलाफ एहतजाज करने वालों के खिलाफ आप ये क्यों कहते हैं कि बिल्कुल गलत है जो कर रहे हैं? इनके झूले हैं कि इस्लाम शरीयत डेनमार्क में नाफिज नहीं है, इसलिए इस्लामी कानून डेनमार्क में किसी पर मुसल्लत नहीं किया जा सकता। दुनिया में कहीं भी यह मुतालबा नहीं किया गया कि इस्लामी कानून उसके ऊपर नाफिज किया जाए, वरना हकीकत तो यह है कि अल्लाह ने कहा वमन लम यअमुर बिमा'रूफ फअउलाइका सालिमून, अल्लाह के अलावा दूसरे कानून पर अमल करोगे तो जुल्म करोगे। उन्वान नहीं है मतलब मैं बताता कि दुनिया में कानून के नाम पर जुल्म कैसे होता है। कानून के नाम किसी ने नहीं कहा, सब ने सिर्फ यह कहा कि इसने गलत बात कही है, इसने लोगों की दिलाजारी की या छोड़ बात कही है, इसलिए इस पर सजा दे रहे दी जानी चाहिए। एक करोड़ से ज्यादा लोगों के इंसानों की दिलाजारी की है, तारीख की कड़वी सच्चाई का इनकार किया है, इसलिए लोग बता रहे हैं। लेकिन ये तायुर कादरी साहब कहते हैं कि डेनमार्क पार्लियामेंट तौहीद रिसालत का कानून बना या बना ना बनाए, सजा दे ना दे, डेनमार्क में ये उसका अधिकार और डेनमार्क में इजहार राय की आजादी। किस तरीके से ये हुकूमत की तरफदारी है अपने आप को आज के रसूल आखिरी जुमला जो उसका है तौहीद रिसालत करने वाला हरगिज हरगिज सजा का मुस्तहिक नहीं है। यह तारुल कादरी के झूले दे रहा हूं मैं, ऐसे बेसमीर ऐसे वक्तों में कुछ मैदान में आए हैं ऐसे बेसमीर जिन्होंने पेश किया अपने समीर को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मुस्तफिन करने वाला सदा का मुस्तहिक नहीं। और वो जो कह रहे हैं सारे राय की आजादी की बुनियाद पर वो कह रहे हैं, इस बुनियाद पर क्या सदा का मुस्तहिक नहीं? कम से कम आप सही बात नहीं कह सकते तो आपको खामोश रहना चाहिए था, आपके अंदर हिम्मत और जुरत नहीं है, आप अपनी शहीदियत बचाने के लिए इस्लाम को अल्लाह के नबी की जात अकदस को उनके तकद्दस को अपने पामाल कर दिया। नौसुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह सुम्मा अस्तगफुरुल्लाह इनकाय सोचता था कि ना दीन जानता है ना शरीयत और ना जानता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को और ना सच्ची बात कहने की इसके अंदर जसारत है। सोचता था पहलू इसमें ही है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मुस्ताफी नाकाबिले माफी के उन्वान इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए इंसानियत को हर सतह पर फायदा हुआ। सबसे बड़े मोहसिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने पर कोई गुफ्तगू बातचीत नहीं, उस पर कोई समझौता नहीं होगा। और जिस शख्स ने यह किया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर गुस्ताखी, वो जाहिल है, वो तारीख से नागलत है, वो झूठ कहता है। ऐसे मरने पर जो करने वाले काम है, बस दो चार जुमले में कहूंगा जो करने वाले काम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का काम बताया जाता है। सीरत तैयबा को आम करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम किया जाए और इसको जब हम आम करेंगे तो लोगों के सामने ये शख्सियत आएगी। तारीख के बेशुमार वाकयात हैं, अभी जद्दी का मामला है कि एक खातून जिसने इस्लाम कबूल किया वो कहती है कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक मज़मून लिखना चाहती और मेरा मकसद यह था कि आपकी साथ पर इस अंदाज में अटैक करूं कि मुसलमान उसका जवाब न दे सके और दुनिया के सामने आपके साथ बिल्कुल खुल करके आ गया। लेकिन जब मैंने स्टडी शुरू करना शुरू की तो सिर्फ छह महीने की कलील मुद्दत में वो कहती है कि ऐसी कामिल जात ऐसी रही वो करीम जात ऐसी मोहसिन जात इंसानियत की तारीख में कोई वो हिस्ट्री की तारीख आती है हिस्ट्री की। इरानी साहब ने जो किताब की है उसमें वो कहते हैं कि मैंने जब स्टडी की तो 250 से ज्यादा ऐसे लोगों को पाया जिन्होंने इस्लाम के सिलसिले में मुखालफत का माहौल था लेकिन जब स्टडी करना शुरू की तो इस्लाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आम किया जाए, आपकी साहब को खुद पढ़े अपने बच्चों को उसकी तालीम दे दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ या अक्दस दुनिया के जो उसवा नमूना है उसे समझे। माफ कीजिएगा आज हमारे यहाँ अगर हमारे नौजवानों से पूछे क्रिकेट के प्लेयरों के बारे में कोई तफसील, मुख्तलिफ खेल खेलने वालों के मुख्तलिफ बड़े लोगों के बारे में कोई तफसील, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इंतहाई अफसोसनाक बात माफ कीजिएगा
एक शख्स से पूछा गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल किया गया कि आपके वालिद का नाम क्या था, आपके वालिदा का नाम क्या था? नहीं मालूम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां पर वफात पाए? कहां? मक्का। हालांकि आप मुझसे नबी से बिल्कुल लग करके आपका रसूल, आपका जो कब्र है बिल्कुल लग करके है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में पूछा गया कि आपको कितने दिन नबी थे? कहा कि सब साल। ये तो सवाल के जवाब है, इसीलिए कि सीरत की तालीम नहीं, सीरत आम नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम आम नहीं। कम से कम हर शख्स की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को, अपनी अहलिया को, अपने घर वालों को, खवातीन की जिम्मेदारी है कि अपने अहले खाना को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बताएं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात बयान करें कम से कम, और दूसरों तक भी इसको पहुंचाने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हालात बड़े महफूज हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर तरफ से इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ कोशिशें हो रही हैं रब्बुल आलमीन, और तेरा सच्चा वादा है तेरे कलाम में इन्ना कफ़ैना का मुस्ताज़ीर, अल्लाह तो काफी हो जा जहां पर हम ना पहुंच सके रब्बुल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्लाम दुश्मनों का रब्बुल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी सफ़ों में इंतशार पैदा फरमा, उनको कफ़र गिरदा तक पहुंचा, और उनकी हिमायत करने वालों को भी रब्बुल आलमीन बेनकाब कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरे कलाम की आयतें और तेरे नबी की हदीस पर अमल करने की तौफीक दे रब्बुल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन शरीयत के तमाम अहकाम को अपनी जिंदगी में नाफिज करने की तौफीक दे रब्बुल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा खात्मा ईमान पर फरमा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैताना वहब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अन्तल वहाब। बारक अल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल मजीद व रहमना व इय्याकुम बिल आयातिल मुस्तक़ीम इन्नहु तआला